गाइस गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अखिल और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ नागपुर में। एक पार्क है जिसका नाम है लिटिल वुड्स, हम उस ओर जा रहे हैं आज। तो आप देख सकते हैं अंधेरा है, मैं सुबह 5 बजे से उठ चुका हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो ये आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे चाय, तो बहुत ठंड है गाइस। मैंने जैकेट इसलिए ओपन किया है क्योंकि मुझे थोड़ा वो हो रहा था, गर्म हो रहा था, तो उस वजह से मैंने जैकेट ओपन किया। और मैंने अभी चाय भी ली, आप देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ से लिटिल वुड्स की तरफ निकल रहे हैं। अब हम इसके आगे आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। सो गाइज, ये मैप है लिटिल वुड पार्क के अंदर। आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है कि क्या क्या नाम से इस प्लेसेस को जाना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। सो फाइनली गाइज, हम लिटिल वुड पार्क पहुँच चुके हैं। तो अब हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं गाइज। यहाँ पे आप आकर मॉर्निंग में वॉक कर सकते हो। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आप साइकिल ला सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जिससे आपका पेट अंदर जा सकता है। तो अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं। आपको आज हम लिटिल वुड पार्क का स्टार्ट टू एंड दिखाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अंदर की ओर। गाइज, आप जैसे ही गेट के अंदर एंटर होते हो ना, तो सबसे पहले आपको लिटिल वुड की इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से ये एरिया कवर किया गया है। ये 3 किलोमीटर का रन है यहाँ पे। तो आप सकते हो प्लांटेड डेट दी गई है 1 जुलाई 2016 को ये स्टार्ट किया गया था। एरिया दिया ये 24 हेक्टर्स में इसे कवर किया गया है पूरा। तो यहाँ पे जब आप आते हो सुबह मॉर्निंग में, ये वॉकिंग एरिया है, यहाँ पे आके आप वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। तो इस साइड आप देख सकते हो लेकिन प्लांटेशन का पूरा मैप दिया है। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो आप आपको जाना है, आपको कौन सा नाम सबसे बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे सारे नाम दिए गए हैं, तो जो भी आपको लगता है कि यार ये मुझे नाम अच्छा लग रहा है, तो वो आप नाम सेलेक्ट करके आप उस ओर जा सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे का व्यू दिखा। अंदर की ओर जा रहे हैं, आपको अंदर का व्यू दिखाने के लिए। यार गाइज, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है और इतनी फ्रेश एयर चल रही है, आपको जो भी स्ट्रेसेस है आप यहाँ पे आके सारी भूलने वाले हो। लिटरली आप सुबह आके यहाँ पे वॉक करते हो ना, आपको जो माइंड फ्रेश होने वाला है वो आप जब यहाँ पे आओगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे में ये डॉगी भी मेरे साथ ही चल रहा है, आप देख सकते हो। ये डॉगी को भी मेरे व्लॉग्स में आना है, वीडियोज़ में दिखना है, तो ये फॉलो कर रहा है। चलो आने दो इनको भी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो हम आगे चलते हैं और आपको आगे का ग्रीनरी दिखाते हैं। तो गाइस, जैसे आप अंदर जाते हो यहाँ पे, आप लोगों से गवर्नमेंट हमारी कितने बार दरख्वास्त करती है कि यार पेड़ मत काटो। और ये गवर्नमेंट यार इतनी तकलीफ़ उठाकर बैनर्स लगाती है। यहाँ पे लिखा है, देखो आप देख सकते हो, वृक्ष की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। तो यार इतनी समझ होनी चाहिए कि यार पेड़ नहीं काटने चाहिए। और वैसे भी आप देख सकते हो कोविड में हमें ब्रीदिंग सांस से लेने की कितनी दिक्कत हुई है, तो वो सब अपनी वजह से, चलो वो तो ठीक है, छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक सावधान का बोर्ड लगाया क्योंकि यहाँ पे तेंदुआ देखा गया था। तो आप जब भी आते हो तो अपने सेफ्टी के साथ आइए। अब हम आगे चलते हैं। सो गाइज, अब आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है यार। ये लिटिल वुड्स के अंदर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरी पूरी तरफ ग्रीनरी है। हाँ प्लीज़, अब ये झाड़ियाँ जो है इसके अंदर घुसना नहीं है हमें, यहाँ पे आके हमें ग्रीनरी का जो सुकून मिलता है वो लेना है। तो आगे चलिए, आप मेरे पीछे देखो कितनी सुंदर तरीके से इसकी कटिंग की गई है। और अब हम आगे की ओर जा रहे हैं, लेक व्यू आपको दिखाना है। तो हम आगे चलते हैं और आपको आगे का लेक व्यू पॉइंट दिखाते हैं। तब तक आप यहाँ का जो ये ग्रीनरी है वो देखो और इन्जॉय करो। लेट्स गो। सो गाइस, आप देख सकते हो
यहाँ से भी आप इस ओर जाने के लिए आ सकते हो, और इधर से भी आप जहाँ से हम अभी आए हैं आप देख सकते हो ये वाला रोड जो है यहाँ से सब लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग इधर से ही आते हैं। तो आप ये रास्ता भी चुन सकते हो आने के लिए, और ये इधर वाला रास्ता भी चुन सकते हो। और एक मैसेज भी दिया है यहाँ पे, धरती माँ की यही पुकार, कम बचो वृक्ष हजार। तो पेड़ काटना नहीं है, गवर्नमेंट भी बताती है और हमें भी पेड़ काटना नहीं है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है पीछे का। तो अब मैं आपको आगे की ओर ले चल रहा हूँ, और आगे और भी सुंदर सुंदर तरीके से पेड़ की कटिंग्स की गई है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस पार्क को रखा गया है। और अब हम आगे चलते हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो गाइज वन मोर स्लोगन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, कड़ी धूप जलते पाँव पेड़ होते तो मिलती छाँव। तो अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि पेड़ काटना है नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के थक गई है कि पेड़ काटो मत। और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे एक लेक है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, तो हम आपको वहाँ ले चलते हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हो कितना जबरदस्त रोड है, वॉकवे है। तो आपको मैं क्या बताऊँ यार, आपको दिख ही रहा है पीछे में कि कितना सही है ये वॉक। तो आप जब भी आते हो यहाँ से सबसे पहले एंटर हुई है, ये जा रहा है कौन सा था वो पॉइंट, लेक व्यू पॉइंट की तरफ ये जाता है रास्ता। तो आप देख सकते हो यहाँ से आगे से एक हमें राइट लेना है, और यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है ना मुझे यहाँ पे, वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो नागपुर में ये है लिटिल वुड, नागपुर से 7.4 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री का एरिया है वहाँ पे ये कवर किया गया है। तो अब हम आगे जा रहे हैं आपको आगे का व्यू दिखाने के लिए। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहे और वीडियो में बने रहे, स्किप मत करो, और हम अब आगे। गाइस आप जैसे ही थोड़ा सामने आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड लगा है, यहाँ पे जितने पक्षी आज तक के देखे गए हैं वो सारे पक्षी यहाँ पे उनके नाम के साथ उनकी फ़ोटो यहाँ पे दिखाई गई है। तो अब जब भी आते हो आपको अगर वो पक्षी दिखते नहीं है, नहीं यार पक्षी तो बहुत सारे दिख रहे हैं, आप ऊपर में देख सकते हो बहुत सारे हैं, बहुत सारे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पक्षी यहाँ पे हैं। तो वही जो जो पक्षी यहाँ पे देखे गए हैं वो सारे यहाँ पे जो बोर्ड है वहाँ पे दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आके यहाँ की जो फ्रेश एयर है वो ले सकते हैं, टेक कर सकते हैं, और लिटरली गाइज आपको जो भी टेंशन आप भूलने वाले हो यहाँ पे आके। तो मॉर्निंग में आप जब भी नागपुर में हो तो लिटिल वुड पार्क में जरूर। अब हम आ चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे एक रास्ता जो जाता है हम जहाँ से आए थे वहाँ की ओर, और एक रास्ता जाता है अंदर की ओर। तो ये यहाँ से अगर आप अंदर जाते हो तो यहाँ पे एक कॉपर स्मिथ बॉबिट नाम का पक्षी है, अगर आप लकी हो मॉर्निंग में आते हो तो आपको पक्षी देखने मिलेगा, जैसे मुझे देखने मिल रहा है ऊपर आप देख सकते हो वहाँ पे पक्षी कॉपेट नामक पक्षी उड़ रहा है। तो अगर आप मॉर्निंग में आते हो तो आपको देखने मिलेगा, अगर आप मॉर्निंग में नहीं आते हो तो आपको वो पक्षी देखने नहीं मिलेगा। और मैं भी कुछ खास देख नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत ऊपर उड़ रहा है, तो मैं भी उस तक मेरी उतनी नज़र तेज नहीं है कि मैं वहाँ तक देख सकूँ, लेकिन वो जब नीचे आएगा तो मैं उसे देख सकता हूँ। तो अब हम आगे जा रहे हैं, और अगर गाइस यहाँ पे जो फ्रेशनेस है वो बहुत ही अच्छी, मतलब आपका माइंड पूरा फ्रेश कर देगी। आप यहाँ पे जब भी आते हो मॉर्निंग में आओ, मॉर्निंग में आते ही आपको यहाँ पे अच्छा फील होगा, अगर आप धूप वगैरह में आते हो तो यू फील वेरी बैड और आप मुझे ही गालियाँ मारोगे। और आप वीडियो में बने रहे, स्किप मत करो, मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊंगा आगे चलकर। तो चलते हैं आगे। जैसे आप एंटर होते हो गेट के अंदर, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन आप वॉक करने आए हो, मॉर्निंग वॉक करने आए हो, तो आप खाने पीने तो आए नहीं हो, और बाय द वे सुबह सुबह आपको ये ओपन भी नहीं मिलेगा क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे कोई खाने नहीं आता है, सब अपना पेट कम करने आते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, अगर आप दोपहर के टाइम आते हो तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब जो जो आप ब्रेकफास्ट में लेते हो, जो जो आपको चीज़ें पसंद है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है यहाँ पे।
मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। दिस इज पिकनिक स्पॉट ऑल्सो, सो आप जब भी आते हो, ये गार्डन है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे आके आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी के भी इंतज़ाम किए गए हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे में। यहाँ पे फाइटिंग फायर के सिलेंडर्स लगे, अगर आग लगती है, वैसे तो जंगल में आग लगती है नहीं, तो फाइटिंग फायर्स के सिलेंडर्स अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये बिकॉज ऑफ ये रीज़न ये भी है ये लगाने का, क्योंकि जो बनाए गए हैं आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये लकड़े के हैं, तो गर्मी में शायद आग लग सकती है, उस वजह से ये फायर फाइटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी का भी काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया है। तो आप जब भी आते हो यहाँ पे नागपुर में, तो लिटिल वुड पार्क आप ज़रूर आओ, और जब भी आते हो तो मॉर्निंग में आओ, सुबह 5 बजे आओ, आपको बहुत अच्छा फ्रेश फील होने वाला है।